हमें इस बात की चिंता करनी, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, आप सब लोग अगर प्रयत्न करो, एक अकेला आदमी चूज करके हिंदुस्तान को कहाँ से उठा के ले गया, तो अगर हम सब लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस राष्ट्र देवता की सेवा करने का प्रयत्न करें, तो क्या इस देश को उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुँचा सकते। आज मेरे कई कार्यकर्ता कहते हैं, हम बहुत गम है, दुख है। काय का दुख है, गम है, किस बात का दुख? अगर इस बात को सोचते हो तो इसका मतलब क्या, पद प्राप्त करना ये सुख है? मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता, ये तुम्हारी तमन्ना? इसको छोड़ो, केवल और केवल मेरा देश कैसे आगे बढ़े, जिस रास्ते से हो सकता है उस रास्ते से बढ़ाएंगे, जो प्रयत्न करना हमारी पार्टी जो भी काम देगी, छोटा देगी या बड़ा देगी, मैं कार्यकर्ता के नाते उसको सर माथे पे रख करके उसके आदेश की पालना करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास, और रास्ते से चलेंगे हम। आज आप इतने बड़ी तादाद में आए, समाज के इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे को कई बार कहा पहले माला स्वागत, मैंने कहा क्या है यार, ये जनता का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा स्वागत। मेरे को दो पहना दी और दो नहीं पहना, क्या फर्क पड़ने वाला, केवल आपका फोटो जरूर खींच जाएगा, महामहिम के साथ फोटो हो गया, क्या दिन क्या छोटा छोटा दिन करते हो। ये गणपत जी आपके पास बैठे, मैंने इनको 8-8, 10-10 दिन तक मोटरसाइकिल पर बिठा करके कहाँ धरियावत की पंचायतों में कहाँ कहाँ घूमे, यानी कहाँ ब्यावर का और कहाँ ठेठ भीनमाल का लाश खोना। विचारधारा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, तो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इस मान और सम्मान को बचाने के लिए उस आदमी ने संघर्ष किया, इसीलिए वो दिलों पर राज करता है। तो किसी बड़े पूंजीपति के कारण से नहीं, कोई बड़ा बड़ा सम्राट होने के कारण से नहीं, जो दर दर की ठोकर खा करके भी आज़ादी की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो आज हमारी आंखों पर राज करता है। हम विचार करने का सोच बदलो, जब यहाँ से जाएंगे ना बेटा खाली हाथ जाएंगे, याद रख लेना, जब आते हो तो मुट्ठी बंद करके भेजता भगवान, और वापस दे जाता ना तब खाली हाथ दे जाता है। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब देश तुमसे कुछ मांगता है, जब देश तुझे सब कुछ देता है तू भी तो कुछ दे, देश तुम्हें सब कुछ देता है तू भी तो कुछ दे। मैं सोचता हूँ इस बात को मन से पकड़ो, और ये जितने कार्यकर्ता है, मेरा मन तब प्रसन्न रहेगा आप बेदाग जीवन जी करके सादगी के साथ, हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है लेकिन हमारा जीवन सादगी से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे से पीछे जो खड़े करोड़ों लोग, उनको तेरे जैसे कपड़े पहनने का भी सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुझे वो पहनने का अधिकार नहीं है, तुझे वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जब महात्मा गांधी बना इस बात से, जब गांव में घूमता था ना, तो एक दिन रात को माता बहनों के बदबू आ रही थी कपड़ों से, उसने अपनी बत्ती उगा, इनको पूछो ये नाती क्यों नहीं है। महिलाओं ने कहा कि हम लाए क्या ये ड्रेस है, इसी को सुखाकर वापस पहनते हैं, इसलिए अगर नहाएंगे तो रोज क्या। वो बाहर ने आकर वापस कहा कि ये यूँ कह रही है कि हम साड़ी यही है, इसको धोएंगे सुखाएंगे तब तक लज्जा ढकने के लिए और कोई साधन नहीं। तब उस व्यक्ति ने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं बनेगा, तब तक एक रंगोटी में रह करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न करूंगा, तब जाकर के महात्मा गांधी बनता है। लोग जब तुम्हें प्यार करते ना, तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं करते, तुम्हारी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, तुम्हारे त्याग से करते हैं। जो जितना त्याग करता वो उतना ही सम्मान बनना था क्या? एक छोटी महिला थी, भगवान ने कहाँ से उत्पत्ति की उसके दिमाग में, ये प्रभु एकनाथ की कृपा है आज धरती, ये हमारा देवता, हमारा राज का मालिक भगवान एकनाथ है। और इसलिए उसको जैसे बनवीर को आते देखा, उसके दिमाग में कहाँ जगह, क्योंकि वो दोनों ही बच्चों को पाल रही थी और लगभग दोनों बराबरी की उम्र के थे, उसके दिमाग में आया कि बनवीर अभी उदय सिंह का हत्या कर देगा, तो मेवाड़ का दीपक बन जाएगा, और इसलिए तुरंत विचार किया कि इसे बाहर भेजो। वो बालक भी अनजान नहीं था, 11 साल का बच्चा था, उसकी माँ ने जब सुलाया था तब उसे पता था कि मेरा क्या होना है, लेकिन उस बालक को धन्य हो यार,
जो बिना चीखे और बिना चिल्लाए दो टुकड़े हो गए और माँ ने पत्थर रख करके भी मेवाड़ का स्वाभिमान बचा लिया था। मेवाड़ का हृदय में धारण करो, जनता के मूल्यों को समझो। जनता जो प्यार करती है ना, वो तुमसे कुछ चाहती है, वो हमें करना है। और हम बहुत पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने हमको तैयार किया था। ये जो सब आप कहते हो ना, मैं घुमा, मैं कुछ नहीं घुमा भाई। ये संघ के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की देन थी जिन्होंने वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से गांव गांव में काम करा दिया। ये संघ के उन प्रचारकों की देन थी जिन्होंने एकल विद्यालय के माध्यम से इस संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के एक एक टापरे टापरे को छाना, तब जाकर के खड़ा होता है। सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो ऊपर वाला मदद करता है। कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, नहीं तो ये अचानक अटल जी के बाद हम भी सोचे थे अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान क्या होगा। लेकिन एक बच्चा कहाँ से आता है और कैसे आकर के संभालता है, इसका मतलब यह धरती में चमत्कार है दोस्तों। इस धरती में चमत्कार है। यहाँ कोई न कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमारे देश का मान सम्मान के लिए, कोई न कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से पैदा होकर के विवेकानंद खड़ा हो जाता है, देश को दुनिया को लड़काता है। हमारे में है, हमें करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को अफसोस करने की जरूरत नहीं। आप ये सोचते मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ, मुझे क्या फोन बंद थोड़ी रहते हैं, व्हाट्सएप भी बात हो सकती है। पर लत्ती फेंकने का काम मत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत, थोड़े से कोई फायदा नहीं। अपना अपना काम करते चले जाओ, बाकी काम तो जनता को करना है, पार्टी को करना है, पार्टी के नेताओं को करना है, तू काहे को परेशान हो रहा। तो एक बार मैं आपके सामने उदयपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने जिस बच्चे को पाला पोसा, इतना कर चढ़ाया, सारा तो नहीं उतार सका पर ब्याज उतारने का प्रयत्न जरूर किया। और मैं आप हजारों कार्यकर्ता बंधुओं में आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इस संगठन को आगे खड़ा करने के लिए भूखे प्यासे दौड़कर इस संगठन को जो ताकत दी है उसके कारण से हम सब नेता यहाँ खड़े बैठे हैं। ये कमाई तो सब आपकी है, भुगतने का सौभाग्य हमको मिल गया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ बैठने वाला कार्यकर्ता छोटा नहीं है, बैठने वाला बड़ा नहीं है, वो मेरा बराबरी का है। जब मैं काम करता था तो मेरे कई कार्यकर्ता फर्क नहीं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पाला हुआ बच्चा मेवाड़ के मान सम्मान और गौरव को जहाँ भी रहेगा बढ़ाएगा, किसी प्रकार से कम नहीं होने देगा। चाहे कठिन से कठिन रास्ता आएगा तो भी उसको पार करते हुए निकलेंगे। और आपसे मेरे संबंध और जनता का जो कर्जा है उसको मैं जहाँ भी रहूँगा उतारने का प्रयास करूँगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ। और जब आप यहाँ स्वागत करने आए तो कोई ज़्यादा माथा फोड़ी मत करो। आपके मन से यहाँ उपस्थिति आ गई, ये स्वागत हो गया, फिर भी फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो करना चाहे तो क्रम से हमें क्रम से धक्कम पहन का कोई मतलब नहीं है। दोबारा फोटो आ जाएगा तो 8 फीट की हाइट बढ़ेगी नहीं, नहीं होगी तो 5 फीट कम हो जाएगी। बिना बात के क्यों मरते हो, अच्छे ढंग से चलो। और जिस संगठन ने हमको डिसिप्लिन सिखाया ना, उस संगठन के डिसिप्लिन को अंदर बिठाने का प्रयास करो। हमारी पहचान हमारी संगठन की अनुशासन, प्रणाम करता हूँ। और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे को योग्य बनाया, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करके इस कर्जे को उतारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। भाई साहब के सम्मान के लिए कर्तव्य ध्वनि के साथ भाई साहब का सम्मान करें। भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन हम सब के बीच में रहा। इस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ हमको काम करना, उसके बारे में भाई साहब ने बताया। हमारे मध्य पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के श्री संजीव कपड़ानी साहब पधारे हैं, वो गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री संजीव कपड़ानी साहब का, भाई साहब का इस मुझे देकर स्वागत करें। धन्यवाद के लिए मैं नगर निगम के उपमहापौर भाई पारा जी सिंघवी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पूर्व मैं विभिन्न सामाजिक संगठन के, विभिन्न संस्थाओं के, राजनीतिक क्षेत्र के महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, एक एक करके जिनको कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से लगा रखा है। मंच के ठीक जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहां से आए और उस दिशा में उतरे, बाद में
धन्यवाद के लिए लोकप्रिय उपमापाल पाराजी सिंघवी साहब से निवेदन करना चाहता हूं। और इसके बाद फूल सिंह जी मीणा प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष गोपाल जी भाई साहब की भाई साहब को तस्वीर देकर सम्मान करेंगे। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिल चार रहे ना रहे, देश सबे देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे, ऐसे भाव हम सब के प्रेरणा बाधे। असम के महामहिम राज्यपाल, हमारा मार्गदर्शन पल पल पर करने वाले परम सदैव गुलाब जी भाई साहब, मन पर विराजमान सभी समाज के वरिष्ठ जन, पार्टी के वरिष्ठ जन, पधारे हुए सभी उदयपुर के सम्मानित नागरिक महानुभाव, मातृशक्ति, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों, आज हमें बहुत ही दुख के साथ तो यही आशा व्यक्त करते हैं कि मैं आज इस अवसर पर एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। भाई साहब सब ने नाम लिया, लेकिन एक नाम जो मेरे दिल में था वो आपने नहीं लिया, हमारे नेताओं ने नहीं लिया। आज इस जीवन यात्रा के अंदर आप जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी अनीता जी कटारिया का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनका सहयोग नहीं होता, आज उनका साथ नहीं होता तो शायद इस मुकाम पर आप नहीं पहुंचते। मैं पुनः एक बार सभी पधारे हुए उदयपुर के समाज के गणमान्य नागरिकों का, समाज के वरिष्ठ जनों का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों का, आप यहाँ पर पधारे हुए हृदय की असीम गर्व से आपका भाई साहब आपसे निवेदन है, सबके नाम पुकारेंगे एक एक करके मन पर पधारे, आपसे हाथ छोड़कर विनती है व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें। आप इतनी देर विराजे हैं, मेरा आपसे निवेदन है सबका नाम पुकारेंगे, आप एक एक करके मन पर पधारेंगे तो व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेगा। पुनश्च आपका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए यही धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और किरण जी और गणपाल जी मनोज जी से निवेदन करता हूँ कि पुनः संचालन करें और एक एक का नाम लें। सम्मान समारोह के पश्चात सभी लोग भोजन लेकर ही पधारे और जो जो संस्थाओं के नाम पुकारे जाए उस प्रकार से एक एक करके मंच पर आए, व्यवस्था को बनाए रखें। सर्वप्रथम सभी लोग अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करें, एक एक करके सबका नाम बोला जाएगा, सभी को मौका दिया जाएगा, एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम अर्चित वर्णिया, अभिनव नागौरी और मेवाड़ मुस्तफा, सभी अपना स्थान ग्रहण करें एक बार। तीनों शहीद परिवार के परिवारजन मंच पर पधारें। मैं सबसे देवी समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान है, सबका भाई साहब ने प्रयास समय हमको दिया है, एक बार मंच पूरा खाली कर दे। मैं सभी मंच पे खड़े उनसे हाथ जोड़ से निवेदन करना चाहता हूँ, मंच पे कोई नहीं आए, एक बार मंच पूरा खाली कर दे, उसके बाद में भाई साहब ने आप सबको सुना है, आप जो नाम ले रहे सभी समाज वाले क्रम से आएंगे और सभी लोग सम्मान। भाई साहब आपसे निवेदन है, ये मंच पर जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, राजू जी इन सब कार्यकर्ताओं को नीचे उतारो प्लीज, हाथ जोड़कर।